सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉक्स और डिज्नी की डील के बारे में, जिसे लेकर अब फिर से कुछ अपडेट्स आए हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इन दोनों कंपनी की डील वेडनेसडे तक क्लियर हो जाएगी और उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, लेकिन अब अपडेट ये आए है कि इन दोनों कंपनी की डील की अनाउंसमेंट हमें थर्सडे तक मिलेगी। और बात करें इंडिया की, तो इन दो कंपनी के डील्स के बारे में हमें फ्राइडे तक पता चलेगा कि असल में इन दोनों कंपनीज के बीच में डील क्या हुई है। और वहीं बात करें हमारे वुल्वरिन की, तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है फॉक्स और डिज्नी को लेकर, तो उनसे ये पूछा गया कि अगर इन दोनों कंपनीज की डील हो गई तो जैसा आपने कहा था कि आप फिर से वुल्वरिन के रोल में रिटर्न आएंगे, तो आपकी क्या राय है। तो हमारे ह्यूग जैकमैन ने इस बात पर अपनी राय जताई और उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मैं इस यूनिवर्स का भी हिस्सा बनूं, लेकिन अब नाव किनारे से छूट चुकी है, लेकिन मुझे ये पता है कि MCU के यूनिवर्स में वुल्वरिन आएगा तो वो लोग वुल्वरिन के रोल के लिए एक बेस्ट एक्टर को लेंगे, जिसका मतलब ये है कि अब हमारे ह्यूग जैकमैन वुल्वरिन का रोल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखते हैं ये डील फाइनल होने के बाद क्या डिज्नी उन्हें मना पाएगा या नहीं कि वो वुल्वरिन के रोल में फिर से वापस आ जाए। और वहीं बात करें वुल्वरिन के रोल को लेकर, तो एक एक्टर को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि शायद फ्यूचर वुल्वरिन मूवी में वो हमें एज वुल्वरिन नजर आ सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि वुल्वरिन का एक टीवी शो बन रहा है जो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर तक रिलीज भी हो जाएगा, क्योंकि डिज्नी अपना खुद का एक स्ट्रीम चैनल बना रहा है, क्योंकि आप सबको पता है उसकी नेटफ्लिक्स से डील टूट चुकी है, जिसके चलते वो अब अपनी सभी सीरीज को अपने खुद के स्ट्रीम चैनल पर चलाएगा। तो अब वो इस स्ट्रीम चैनल में वुल्वरिन का एक शो दिखाने वाला है जिसके सिर्फ और सिर्फ 10 एपिसोड्स ही होंगे, और ये एक एनिमेटेड सीरीज होगी और ये सीरीज एक रात पर ही होगी, जिसमें वुल्वरिन एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन करेगा लास वेगास सिटी में, और इस सीरीज का नाम है वुल्वरिन द लॉन्ग नाइट। और इस फिल्म में वुल्वरिन की वॉइस दे रहे हैं रिचर्ड आर्मिटेज, जिन्हें हमने इससे पहले हॉबिट जैसी मूवी में भी देखा था, और कई लोगों ने तो उन्हें ह्यूग जैकमैन के फेस के साथ में मर्ज कर भी देख लिया है, जिससे कि वो बिल्कुल ही ह्यूग जैकमैन दिखते हैं। और दूसरी पिक्स की बात करें तो वो उस पिक्स में भी बिल्कुल ह्यूग जैकमैन की तरह ही नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हमें फ्यूचर में यही एक्टर वुल्वरिन का रोल करते हुए नजर आ जाए। एक और खबर आई है इन दोनों की डील को लेकर कि फॉक्स और डिज्नी की डील्स के बीच में फैंटास्टिक फोर मूवी नहीं होगी। जी हाँ, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के कुछ कैरेक्टर्स के राइट्स न्यू लाइन सिनेमा के पास है, जिस कंपनी को ओन करती है वार्नर ब्रदर्स। तो अब देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर के वो कुछ कैरेक्टर्स कौन से हैं, जिसके बारे में हमें आगे जरूर पता चलेगा। लेकिन बात करें फैंटास्टिक फोर के मेन कैरेक्टर्स, तो उन सभी के राइट्स जहाँ तक है तो MCU के पास रिटर्न आ चुके हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इन सभी चीजों को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।